अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हूं C++ प्रोग्रामिंग की एक न्यू क्लास के साथ। इस क्लास में हम इंशाल्लाह स्विच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्विच क्या चीज है और डिफॉल्ट कीवर्ड क्या चीज है, इसको हम इस क्लास में इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। पिछली क्लास में हमने कंडीशनल्स के टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को देखा था। आज हम उसका एक अल्टरनेट स्विच देखने जा रहे हैं, तो चलें शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ आ जाए, मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूं प्रोग्राम का, देन हम जो स्विच है उसको डेमोंस्ट्रेट करना शुरू करते हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन, ठीक है, और उसके बाद हम यहां पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं। राइट, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं इंटीजर टाइप का, जिसका नाम क्या है, डे, यानी कि दिन, और मैं उस पर रख रहा हूं 4। ठीक है, अब स्विच का सिंटैक्स क्या है। स्विच में केसेस होते हैं। क्या होते हैं? केसेस होते हैं। आप जरा देखें इसको लिखना कैसे है। आपने सबसे पहले लिखना है स्विच, राइट, और उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा देना है, और इस ब्रैकेट के अंदर इस वेरिएबल का जिसकी आप कंडीशंस चेक करना चाह रहे हैं उसका नाम दे दें। यहां पे मैंने दे दिया क्या, डे। डे देने के बाद आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देना ऐसे, राइट। ये लिखने के बाद आप यहां लिखें केस, क्या लिखना है, केस वन। ठीक है, केस वन अगर हो तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए आपके पास, सी आउट और मंडे। मतलब अगर पहला दिन है तो क्या डिस्प्ले हो, मंडे। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लगा रहा हूं जिसका क्या नाम है, ब्रेक। ठीक है, अब ब्रेक क्या काम करेगा इसको अभी मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा वेट करें। केस टू पे आ जाए, केस टू अगर हो तो मैं कहता हूं सी आउट कर दो और यहां पर क्या कर दो, ट्यूजडे कर दो। राइट, इसको बंद कर लेंगे और यहां पर यह ट्यूजडे। इसके नीचे भी मैं क्या लगा रहा हूं जी, ब्रेक लगा रहा हूं। ठीक है, केस थ्री, ठीक है, केस थ्री क्या हो कि अगर सी आउट करें तो केस थ्री में हमारे पास आना चाहिए वेडनेसडे। ठीक है जी, और क्या आ जाएगा, ब्रेक। राइट, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा केस फोर फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं कहता हूं कि सी आउट कर दो थर्सडे को। ठीक हो गया जनाब, और इसमें भी मैं कर देता हूं ब्रेक। ठीक है, और इसके साथ एक एंड पे वर्ड लगता है डिफॉल्ट। क्या, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या करते हैं, जब इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो आपका डिफॉल्ट रन होगा, मे बी फ्राइडे, सैटरडे एंड नहीं और संडे। राइट, मैं कह रहा हूं कि अगर इस वेरिएबल, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कि मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू वन हो, वैल्यू क्या हो, वन हो, तो क्या डिस्प्ले कर दो, मंडे डिस्प्ले कर दो। और ये ब्रेक का मतलब है कि बाकी इन सारी स्टेटमेंट को इग्नोर करके प्रोग्राम की, यानी कि इस बॉडी से बाहर आ जाओ, इस बॉडी से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। यहां मैं लिख लेता हूं अपना रिटर्न जीरो। ठीक है जी, तो आप देखें अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये सारी केसेस टेस्ट होंगे। मेरी बात समझ आ रही है, ये सारे केसेस टेस्ट होंगे और ये डिफॉल्ट रन होगा अगर आपने ब्रेक ना लगाया तो। अभी मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके बता भी देता हूं, लेकिन आप जरा फिलहाल इसको समझने, पहले इसका स्ट्रक्चर, आपने सबसे पहले स्विच लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपने ओपनिंग ब्रैकेट लगा के उसमें केसेस डिफाइन करने हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वन है, तो ये क्या डिस्प्ले करे, मंडे डिस्प्ले करे। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू टू है तो ये क्या डिस्प्ले करे, ट्यूजडे डिस्प्ले करे, और सारे प्रोग्राम से बाहर निकला है, यानी कि इस बॉडी से बाहर निकला है, ये जो दो हमने लगाई हुई है ब्रेक कर दे। उसके बाद अगर केस थ्री, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू थ्री हो तो ये क्या डिस्प्ले करे, वेनसडे डिस्प्ले करे। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, इधर आप सेमी कॉलन लगा लें। उसके बाद अगर इस वेरिएबल की वैल्यू फोर हो तो ये क्या डिस्प्ले करे, थर्सडे डिस्प्ले करे, और इस प्रोग्राम से बाहर निकला है। अब आप मुझे बताएं जरा कि इससे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फोर, तो यहाँ पे हमारे पास केस फोर में क्या है आपके पास, आप जरा देखें और से, इसको मैं जरा नीचे कर लेता हूं। केस फोर में क्या है, थर्सडे, तो स्क्रीन पे थर्सडे डिस्प्ले होना चाहिए। आप F9 प्रेस करें, ओके, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना, यहाँ पे आपने फुल कॉलन लगाना है। जरा मैं आपको जूम करके बता देता हूं, तो देखिए इसमें और इसमें फर्क है, समझ आ रही है, ओके। अब इसे जरा सा समझने की कोशिश करें, अब मैं जरा F9 प्रेस करता हूं कीबोर्ड से और F10 प्रेस करके रन करता हूं इसको, तो देखिए आपको स्क्रीन पे सिर्फ क्या नजर आ रहा है, थर्सडे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर दें इस वेरिएबल की, यहां से इसको 4 की जगह इसकी जगह क्या कर दें, 2 कर दें, तो अब क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ट्यूजडे डिस्प्ले होना चाहिए। F9 करें और F10 कर दें, सीधे ट्यूजडे आ गया, इज दैट क्लियर। अब जरा थोड़ा सा इसको समझ लें कि अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता तो मेक श्योर कि आपके नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट होंगे, वो भी चलेंगे।
सी दिस कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से यहां पे 4 लिख देता हूं, ठीक है, तो देखिए ये सारे केसेस टेस्ट होंगे, और अगर मैंने यहां से ये ब्रेक हटा दिया, देखिए मैं खाली 4 वाले से केस 4 से ब्रेक हटा रहा हूं, आप इसे जरा रन करें एंड देखें कि ट्यूजडे तो मेरे पास आ रहा है लेकिन मे बी फ्राइडे सैटरडे और संडे वाली स्टेटमेंट भी डिस्प्ले हो रही है, जो कि मैंने कहां लगाई थी, जो कि मैंने डिफॉल्ट में लगाई थी। तो असूलन तो ये चीज फिर डिस्प्ले होनी नहीं चाहिए थी कि अगर मेरे पास डे 4 है तो सिर्फ थर्सडे डिस्प्ले होना चाहिए था जैसे पहले हो रहा था, लेकिन अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाई तो ये मसला करेगा, ये आपके तमाम केसेस को टेस्ट करेगा, ठीक है, और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। डिफॉल्ट कब होगा, लेट से मैंने यहां पे वेरिएबल 5 कर दिया, तो 5 तो इनमें से कोई केस ट्रू नहीं है ना, तो वो कौन सा चलाएगा, डिफॉल्ट में जो चीज होगी वो चलाएगा। अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू ना हुआ, उसकी वैल्यू इसके साथ मैच ना करती हुई, तो कौन सा वाला चलाएगा, वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को चलाएगा जो डिफॉल्ट में होगा। अब आप जरा इसको रन करके देखें, मे बी फ्राइडे सैटरडे और संडे आपको डिस्प्ले हुआ हुआ नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें से देखें इस वेरिएबल की वैल्यू 5 है और 5 वाला कोई केस डिफाइन नहीं है। अगर आप यहां 5 का केस भी डिफाइन कर देते हैं, यहां पे सी दिस, यहां पे आप लिख लें केस 5 राइट, और यहां पे आप लिख लें सी आउट और क्या फ्राइडे सिंपल, ठीक है, और यहां पे आपने ये भी लिखना है कि ब्रेक, ठीक हो गया। अब आप इसे चलाएं तो देखिए अब आपको फ्राइडे डिस्प्ले हुआ हुआ नजर आएगा, सी दिस। तो केस आपका अगर डिफाइन ना हो तो आप डिफॉल्ट से काम लेंगे कि डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है। अब आप इस डिफॉल्ट में प्रॉपरली लिख दें कि मे बी सैटरडे और संडे, सी दिस राइट। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, काफी ज्यादा सिंपल हो गया है। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में हमें स्विच को यूज करना चाहिए और किन केसेस में हमें इफ एल्स को यूज करना चाहिए। दोनों एक ही चीज है और कंडीशंस के लिए यूज होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि इन विच कंडीशंस वी हैव टू यूज प्रोबेबली स्विच एंड इन विच कंडीशंस वी हैव टू यूज इफ एल्स। तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इस पर डिस्कशन करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।